अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप कोटा के टॉप टीचर के द्वारा भी घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको IIT JEE नीट के डेली डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव सेशन में रोजाना 5 बजे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2020 यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए कक्षा 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जो आंसर सहित है यानी आंसर भी साथ में है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और इस वीडियो से यानी ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप ये इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 75 प्लस क्रॉस कर सकते हैं SST में। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो सेक्शन, अब बोर्ड पेपर की यदि हम बात करें तो बोर्ड पेपर में आपके 4 सेक्शन आते हैं। जो पहला सेक्शन आता है उसमें आपके SST में 1 से 10 तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1 से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सेक्शन ए में आते हैं, जिसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन जो आपके एक एक अंक के पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपको बताना है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन और उसके आंसर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इनमें फ़ायदा ले सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, विराटनगर, विराटनगर आपका कन्फर्म आंसर होगा। ओके, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। तो सारे बच्चों को याद करना है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दूसरा प्रश्न हमारा है जयपुर का जंतर मंतर क्या है, जयपुर है उसका जंतर मंतर क्या है, तो जयपुर का जंतर मंतर क्या है। तो सारे बच्चों को इसका आंसर देना है कमेंट में कि जयपुर का जंतर मंतर क्या है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं आता है, तो जयपुर का जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो जयपुर का जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। और 5 वेदशालाओं में से एक है, यानी जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया और ये 5 वेदशालाओं में से एक है। और इसका निर्माण ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ था, इसका निर्माण किसके लिए, कौन किसके अध्ययन के लिए हुआ था, ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ था। और इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 3 का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के नाम लिखिए, यानी जो लोकतंत्र का जो पश्चिमी सिद्धांत है उसके प्रमुख समर्थकों के नाम लिखिए। ओके, तो प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, कोई 2 के नाम आपको जरूर याद रखने हैं इसमें, जिसमें पहला है हमारा होबस, दूसरा है रूसो, तीसरा है जेफरसन और चौथा है हरबीर स्पेंसर। तो इसमें 4 दिए गए हैं, मैंने 4 दिए हैं यहाँ पर, आपको कोई 2 याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के निकटतम यानी राजस्थान के निकटतम 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए, राजस्थान के पास में कौन कौन से 2 बंदरगाह हैं, उन 2 बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। तो 2 बंदरगाह कौन कौन से, एक तो है कांदला और दूसरा है मुंबई, यानी राजस्थान के निकटतम 2 बंदरगाहों के नाम कौन कौन से हैं, एक तो है कांदला और दूसरा है मुंबई। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी याद करना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री एम विश्वश्रेया की पुस्तक का नाम लिखिए, श्री एम विश्वश्रेया की पुस्तक का नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, तो सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
यानी श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उससे हमारा क्या अभिप्राय है, उसे आप क्या समझते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। तो प्रति व्यक्ति आय की क्या परिभाषा है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त जो आय है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्त जो इनकम है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। तो ये प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं, वह उसका अंतिम उपभोगकर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहते हैं। कि वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं वह उसका अंतिम उपभोगकर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा स्फीति की परिभाषा लिखनी है। तो मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि की स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि की स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया, भारत में, इंडिया में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया। तो भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा। यानी भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और कब किया गया था, 1868 में किया गया था। ये भी आपको सन भी आपको याद करनी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है, कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO, ये आपको याद करना है, NSSO, ओके। और इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हमारा सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में मैंने बता दिया आपको 1 से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आपके एक एक नंबर के आते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी है, तो 11वां क्वेश्चन है हमारा कि जो स्वच्छता है उसमें किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है, तो स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिया है, आप देख सकते हैं बुक में मिल जाएगा। और किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर लिख कर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है, इसका आंसर सभी बच्चों को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 12वां प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा एग्जाम में, 2 या 3 नंबर आपको पक्का ये क्वेश्चन दिला सकता है। तो सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, या फिर इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात की परिभाषा याद करनी है और शहरीकरण के कोई दो समस्याएं लिखनी है। लिंगानुपात किसे कहते हैं और शहरीकरण की कोई दो समस्याएं लिखिए, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर आपको प्रकाश डालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 15 का क्वेश्चन है, और किन्हीं दो प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैली में कोयला पाया जाता है उनके नाम लिखिए, यानी किन दो प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैली में कोयला पाया जाता है उनके नाम लिखिए।
तो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16 का, नरमा से आप क्या समझते हैं, यानी नरमा की परिभाषा लिखनी है और अमेरिकन कपास की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नरमा से आप क्या समझते हैं और अमेरिकन कपास की कोई दो विशेषताएं लिखनी है, तो दो विशेषताएं आपको याद करनी है। 17वां प्रश्न है, टांका एवं खड़िन क्या है, तो टांका की परिभाषा लिखनी है और खड़िन की परिभाषा लिखनी है, इन दोनों की परिभाषा लिखनी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, राज्यपाल की सब विवेकी शक्तियां बताइए। ये आपके 100% क्वेश्चन है, 100% में से है, तो 100% वाला क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने इस वीडियो में, वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। 18वां प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की सब विवेकी शक्तियां बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, तो सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर याद करना है। उसके बाद में 19वां प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और उसके कोई दो लाभ बताइए, तो वैश्वीकरण की परिभाषा बतानी है, उसके बाद में उसके दो लाभ भी आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न है हमारा सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में आपके चार चार नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में आपके चार चार नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 20वां प्रश्न है हमारा, महाजनपद किसे कहते हैं, महाजनपद की परिभाषा बतानी है और राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए, महाजनपद की परिभाषा बतानी है और राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए, ओके। 21वां प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, बंदा बैरागी कौन था, बंदा बैरागी कौन था और दीवाने आरिज क्या था, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो पूछ सकता है कि बंदा बैरागी कौन था, या क्वेश्चन पूछ सकता है दीवाने आरिज क्या था, या दोनों भी पूछ सकता है, तो दोनों ही आपको अच्छे से याद करने हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, औद्योगिक क्रांति के चार परिणाम लिखिए, औद्योगिक क्रांति है उसके चार परिणाम लिखने हैं आपको, चार नतीजे लिखने हैं, तो औद्योगिक क्रांति के चार परिणाम आपको याद करने हैं। 23वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है और दोनों की परिभाषा भी पूछ सकता है। 24 का क्वेश्चन है हमारा, कौशल विकास से आप क्या समझते हैं और स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट होता है, कौशल विकास से आपकी क्या समझते हैं, उसे आपका क्या अभिप्राय है, यानी कौशल विकास की परिभाषा पूछ सकता है और स्वदेशी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो जो स्वदेशी की जो अवधारणा है उससे भी आपका क्या अभिप्राय है, उसे आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है एग्जाम में। 25वां प्रश्न है, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर लिखिए, एक तो है संस्थागत और एक है गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं, इनमें आपको अंतर याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चार अंतर आपको याद होने चाहिए इसमें। 26वां प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है, उपभोक्ता जो शोषण है वो किस प्रकार हम रोक सकते हैं, किस प्रकार रोका जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 27वां प्रश्न है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है साइमन कमीशन और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो पहला है साइमन कमीशन और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 28वां प्रश्न है हमारा, 28वां क्वेश्चन याद करना आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उनका आपको वर्णन करना है। 29वां प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, उच्च न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र हैं और उनकी जो शक्तियां हैं उनकी विवेचना करनी है, उनका वर्णन करना है। और 30वां प्रश्न आपका मानचित्र से संबंधित है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, अंकित कीजिए, और मानचित्र का क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आता है, और इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मानचित्र का, तो वो वाला भी आपको देख कर जाना है क्योंकि उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या दिया गया है आपको, होशंगाबाद,
दूसरा दिया गया चेन्नई, तीसरा दिया गया है बोकारो और चौथा है विशाखापट्टनम, पांचवा आपके दामोदर घाटी परियोजना। तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।